और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अनलॉक के अगले चरण की। जी हां, अब अनलॉक के अगले चरण की बारी आ गई है। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी कर दी गई हैं। 1 अगस्त से अनलॉक 3, जिसमें नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अनलॉक 3 की अहम गाइडलाइंस जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है, नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। तो बड़ी राहत जो है, नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन मेट्रो रेल को लेकर, इसी के साथ साथ सिनेमा घरों को लेकर क्या गाइडलाइंस आ रही हैं, ये भी आपको अगले कुछ सेकंड्स में बताएंगे। और साथ ही पहले के मुकाबले कहां छूट मिली है, सबसे पहला बड़ा बदलाव नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। अनलॉक 3 की बड़ी गाइडलाइंस, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनलॉक के अगले चरण की बारी और सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। 1 अगस्त से इसे लागू किया जाएगा। सबसे पहला अपडेट जो सामने आ रहा है, नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है। जिम खुल सकेंगे, मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। क्या राहत मिलेगी पहले के मुकाबले? जिम खुल सकेंगे, नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, लेकिन क्या मेट्रो रेल को पाबंदी से हटाया गया है? क्या सिनेमा घर इस पाबंदी से बाहर रहेंगे? नाइट कर्फ्यू हट गया है। बड़ी खबर स्कूलों को लेकर है। 31 अगस्त तक स्कूल सभी बंद रहेंगे। स्कूल 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें लेकर गाइडलाइंस ये है कि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटेगा। 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे, लेकिन मास्क जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी 31 अगस्त तक। अनलॉक 3, बड़ी खबर जो आपके लिए जानने जरूरी है, वो गाइडलाइंस जो आपके लिए फॉलो करनी जरूरी है। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है। जिम खोलने की मांग लंबे समय से हो रही थी। 5 अगस्त से जिम खुल सकेंगे, लेकिन मास्क जरूरी होगा। 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के खुलने का इंतजार और लंबा हो गया है, लेकिन जिम खुल सकेंगे, मास्क आपके लिए जरूरी होगा, जिम जा सकते हैं। 5 अगस्त से जिम खोलने को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहां 31 अगस्त तक यह पाबंदी जारी रहेगी। शैक्षणिक संस्थान जो है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, 31 अगस्त तक ये नहीं खुल पाएंगे। नाइट कर्फ्यू को हटाया जा रहा है, ये बड़ी राहत मिलने जा रही है अनलॉक के अगले चरण में। 5 अगस्त से जिम भी खुल जाएंगे, मास्क जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिम भी आप जा सकते हैं। जो कंटेनमेंट जोन है वहां 31 अगस्त तक पाबंदी रहेगी। स्कूल कॉलेज की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों की हम बात करें, वहां 31 अगस्त तक अभी उन्हें पाबंदी में रहना होगा, वो नहीं खुल पाएंगे। लेकिन 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू को हटा लिया जाएगा। अब तक देश को फिर से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक का अगला चरण अब सामने आ गया है। सरकार ने तैयारी पूरी कर ली। अंकुर त्यागी के पास चलते हैं। अंकुर, जो अनलॉक 3 की गाइडलाइंस है, और क्या बातें उसमें? सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस को 31 तारीख तक फिलहाल अभी बंद ही रखा जाएगा। इसके अलावा मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है, जो पैसेंजर करना चाहते हैं, वो एक लिमिटेड मैनर में वंदे भारत जो मिशन है उसके तहत ही उनको परमिशन दी जाएगी। ये दूसरा सबसे बड़ी बात है। जिम को और योगा इंस्टीट्यूट को भी इसमें परमिशन दी गई है, लेकिन उसके लिए जो टाइम लिमिट है उसको जरूर कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा ऑल एक्टिविटीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग शैल बी परमिटेड आउटसाइड कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको परमिशन ज़रूर दी गई है, लेकिन ये जो बाकी जो हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उनमें कौन कौन सी हैं? मेट्रो रेल है, सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक एक्टिविटीज़ जितनी होती हैं, रिलीजियस जो फंक्शंस होते हैं, तो ये जो फिलहाल और डेट फॉर ओपनिंग ऑफ दिस विल बी डिसाइडेड। ये जो एक्टिविटीज़ हमने बताई हैं इनके लिए एक अलग से डेट सेपरेटली इसके बाद बताई जाएगी। फिलहाल ये इसके अंदर शामिल नहीं की गई हैं। बाकी जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर 31 अगस्त तक जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जो अभी तक हमने देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में फैलने का खतरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रिलैक्सेशंस नहीं दिए गए हैं। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर जो आपको निकल के आ रहा है कि फिलहाल जो मनीष स्कूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस क्या नए बदला? देखिए, सिर्फ बदलाव ज्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ यही हुआ है कि नाइट कर्फ्यू हट गया है।
लेकिन जिस तरीके से लोग लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्कूल खुल सकते हैं, वो राहत नहीं दी गई है, क्योंकि जो गृह मंत्रालय है जिसने सारे स्टेट से सुझाव लिए थे, उनको ये लग रहा है कि अभी भी जो कोरोना के कोविड के मामले हैं पूरे देश में लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह पर अभी स्थितियाँ इस लेवल पर नहीं पहुंची है कि पूरी तरीके से स्कूल या फिर बाकी चीज़ों को शुरू कर दिया जाए। इसीलिए एक तरीके से ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ यही है कि कुछ योगा का क्लासेस है उनमें छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू जो रात में 9-9 बजे के बाद से जो कर्फ्यू लगाया गया था कि कोई सड़क पे नहीं दिखा, बच्चे है, लेकिन देखा तो सिर्फ है कि नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, लेकिन पूरे देश भर में जो अनलॉक 1 था जिसके तहत तमाम तरीके की बंदिशें लगाई गई थी, मसलन कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकती, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती, कोई असेंबली हॉल में किसी तरीके की मीटिंग नहीं हो सकती या कहीं पर भी कोई लार्ज गैदरिंग नहीं हो सकती, और यहाँ तक कि शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ये सब कुछ अभी भी वैसे के वैसे है। तो जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय के जो स्रोत आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जब तक स्थितियाँ पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं हो जाती तब तक अभी ये जो अनलॉक जिसको हम 2 बोल रहे हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।